सत श्रीकाल जी सारे लोग, मैं गुरनाम सिंह एंड पंजाब तो साढ़े अच्छे मेहमान ने बहुत ही स्पेशल गैसट तक उन्होंने अपना भजन सम्राट कहा जाता ने कहा जाता है पद्मश्री अवार्ड विनर है उन्होंने अनूप जलोटा जी आओ उन्होंने गल करिए तो उन्होंने जीवनी बारे पूछा तेरे मस्त मस्त तूने मेरे दिल का ले गए चैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त ना सोना गाना बिल्कुल सर बहुत ही बढ़िया सर सर पुराने जमाने का तुम्हारा कोई फेवरेट एक्टर जो आज भी याद कर दो कि ऐसी मूवीज मुझे बड़ी पसंद है दिलीप कुमार साहब राज कपूर जी देवानंद गुरुदत्त ग्रेट सब पसंद सर तुसी कभी मौका लेते करतूत एक आ रही है हिंदुत्व एक आ रही है टोकन काफी फिल्में आई हैं ओके ठीक है एक्टिंग मेरी देखोगे तो सब कहीं बिल्कुल सर ताड़ी म्यूजिक सुन है ना काफी तो एक्टिंग भी जरूर सब देखेंगे सर ताड़ी स्टूडेंट है गेने हरप्रीत टुटरा हरप्रीत जी उन्हें ना तुसी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व तक काफी अपना एक एल्बम कटी थी नानक मैं तो बोलिया इंटरव्यू तो शुरू बिल्कुल सर सर अगर तुसी अगर मैं बेनती चाहूंगा हरप्रीत जी भी ताड़ा साथ दें बिल्कुल गा दो थोड़ा काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहनिस भावो साधो मन का मान ध्यान दुख सुख दोनों सब कर जाने और मान अपमान हरक शोक ते रहे तिन जग तत्व पछाड़ साधो मन का मान तुहानू एक गाना मैं हरप्रीत दे नाल सुनाना रल मिल के हुण चंगे गुरु नानक आए ने गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक आए ने गुरु नानक आए ने रल मिल के हुण चलिए गुरु नानक आए ने ये बहुत अच्छा वीडियो बनया है ते असी बहुत प्यार नाल जाया है बिल्कुल सर जदों बंदे दे सिर ते जदों पग दा ताज चढ़दा है सर बहुत बार पग लगा के गाया है जी ये तो सम्मान है जी सर सम्मान दा प्रतीक है वीरता दा प्रतीक है पहला घरां च इक नूं कहंदे सी कि इह साडा वीर है इहनूं वॉरियर बनाना है इहनूं असी सेना च भर्ती करना है जी रक्षा करेगा समाज दी तो फैमिली च इक जो हुंदा सी उहनूं सिख बनांदे सी रिस्पेक्ट होंदी सी जी सर उहनूं वी बनांदे सी जो सब तो अच्छा हुंदा सी जी सर जो सब तो वीर हुंदा सी तो यह बहुत वीरता का प्रतीक है तो भक्ति का प्रतीक है जी ये जब असीं पहनने हाँ तो असीं गुरु नानक देव महाराज जी नूं याद करीदा है जी फिर इहनूं पहन के सेवा च लग जाईदा है बिल्कुल सर तुसीं पंजाब गुरुद्वारे तुहाडा मतलब जाना हुंदा बिकॉज बॉम्बे असीं काफ़ी बिजी होंदे आपणे शेड्यूल च ते गुरुद्वारा साहब जो दरबार साहब ने काफ़ी सारे जो गुरुद्वारे फेमस है तुसी ताड़ा कदी मौका मिलता है जदों पंजाब जांदे हो बहुत बहुत गुरुद्वारे अमृतसर तो कई बार गए नांदेड़ कई बार नांदेड़ महाराष्ट्र जाके तो होर भी जितने भी जिन्ने शहर जो जाने दर्शन करी बार सर पिछले जो पाकिस्तान से भी गुरुद्वारा साहब जो साढ़े एक वो लालच भी है उन्हें तो कड़ा प्रसाद बड़ा अच्छा लगता है जी बहुत स्वाद होता है सर वो भी लालच बिल्कुल सर ये भी होता है तो सर अपना जो बंदे पंजाब च या कितने भी है सर पूरे वर्ल्ड से जो बॉम्बे का सपना देख रहे हैं सर उन्होंने वास्ते एक पर्सनल मैसेज बिकॉज कई बार लोगों को लगता है कि इतने आके ईजी काफ़ी कुछ मिल जाता काफ़ी लोग सक्सेस पा चुके हैं
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਆਏਗਾ, ਉਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਬਦਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕੌਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਫਕਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਰ ਆਪਣਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊਰਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰਸ ਬਣਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸਰ ਲਾਸਟ? ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੀਲਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੱਖੋ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਜੋ ਰਾਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਗਾਣੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖੋ, ਸਭ ਲੋਕ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਟਿਕ ਸਕੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। Can't Punjab.